दिस इज आवर एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये दोनों सेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नोट भी किए थे। और जो भी स्ट्रक्चर इस फिगर में बनाया गया है उससे हमने आपको इंट्रोड्यूस भी करा दिया कि वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर कौन सा ऑर्गेनेल है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गॉल्जी बॉडीज है, उसी तरह से इसमें वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स के अंदर जो है सेल सैप पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट है ना। तो इस तरह से हमने बहुत सारे ऑर्गेनेल्स से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हम लोग जो है थोड़ा सा ब्रीफ में सेल के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। चाहे हमारा एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, उसमें एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल को उसके इंटीरियर को आउटसाइड इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को ही हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इट इज ए मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी ऐसा मेम्ब्रेन जो कि सेल के इंटीरियर को आउटसाइड इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं, इट इज थिन डेलिकेट इलास्टिक बट फिल्म मेम्ब्रेन। इट मीन्स ऑल्दो द मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल इज थिन डेलिकेट एंड इलास्टिक बट इट हैज सफिशियंट स्ट्रेंथ, उसमें पर्याप्त स्ट्रेंथ भी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी थोड़ा सा इंजरी अगर हो जाए तो ऐसा नहीं है कि सेल का जो ये मेम्ब्रेन है रप्चर हो जाएगा, काफी मजबूत भी है वो, आसानी से ये रप्चर होने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ चीज़ों को तो सेल के अंदर जाने के लिए अलाउ करता है लेकिन बाकी चीज़ों को वो अलाउ नहीं करता है। मतलब ये सेलेक्ट करता है कि कौन सा चीज़ सेल के अंदर जा सकता है, कौन सा सबस्टेंस सेल के अंदर जा सकता है और कौन सा सबस्टेंस नहीं जा सकता है। मतलब इट डज नॉट अलाउ ऑल टाइप ऑफ सबस्टेंस टू इंटर इनटू द सेल, ठीक है। मतलब ये हुआ इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ सबस्टेंस टू एंड फ्रो द सेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी प्लेग्राउंड में आपको खेलने के लिए जाना है, वहां पर कोई गेटकीपर नहीं है तो आप आसानी से चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर पार्क में जाना है जहां पर पार्टिकुलर एक प्रोसेस है उसके बाद ही आप उसके अंदर जा सकते हैं, मान लीजिए वहां पर कोई पार्टिकुलर टिकट आपको लेना होगा या अपनी आई कार्ड दिखानी होगी, तो वो एक प्रोसेस हो गया जो सेलेक्ट कर रहा है कि कुछ पार्टिकुलर लोग ही उस पार्क के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने वहाँ की जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग परमिशन पाया है,
वही केवल उस पार्क में जाकर के जो भी अपना टाइम है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो उसी तरह का ये काम कर रहा है कि ये गेट कीपर का काम कर रहा है ये। इट डज नॉट अलाउ ऑल टाइप ऑफ सबस्टेंस टू इंटर इनसाइड द सेल, रेदर द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब कुछ चीज़ों को ये एंट्री देगा, बाकी चीजों को सेल के अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, केमिकली इट इज ए लिपिड बाइलेयर इंटरस्पर्स्ड बाय प्रोटीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, मतलब केमिकली ये जो मेम्ब्रेन है किन चीजों से बना हुआ है। तो यहां पर लिखा मैंने इट इज ए लिपिड बाई लेयर, मतलब लिपिड्स के दो लेयर होते हैं इसमें और इनमें जगह जगह पर प्रोटीन्स पाए जाएंगे। ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, जिसको मॉडल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए इसमें लिपिड के दो लेयर होते हैं, लिपिड एक केमिकल सबस्टेंस है तो लिपिड के इसमें दो लेयर होते हैं। ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स में बना रहा हूं, जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये लिपिड के मॉलिक्यूल को एक मॉडल के फॉर्म में मैं बना रहा हूं, ये दो लेयर हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं लिपिड बाई लेयर, टू लेयर्स ऑफ लिपिड, और बीच बीच में क्या है, प्रोटीन्स पाए जाएंगे। ये प्रोटीन हो गया, देखिए, ठीक है, कुछ प्रोटीन केवल एक सरफेस की तरफ होंगे, कुछ जो होंगे एक सरफेस से क्रॉस करके दूसरे सरफेस में निकल जाएंगे, यानी एक्सटीरियर में भी हैं और इंटीरियर में भी हैं। ठीक है, कुछ जो होंगे ऐसे मेम्ब्रेन में केवल रहेंगे, सरफेस पर दिखाई देंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखिए ये वाला कहलाएगा आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और ये वाला कहलाएगा आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, और ये पूरा आपका जो मेम्ब्रेन है इसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, यानी आप देखिए ये जो मैंने एक लाइन से यहां पर रिप्रेजेंट किया है, ये एक लाइन से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है उसको अगर डिटेल देखा जाए तो ये एक लाइन जो दिख रहा है उसमें लिपिड के दो लेयर हैं और बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। यही डिटेल्ड स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो आंसर क्या होगा, केमिकली सेल मेम्ब्रेन इज ए लिपिड बाई लेयर इंटरस्पर्स्ड बाई प्रोटीन्स, मीन्स इसमें दो चीज होंगे, लिपिड होंगे और प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, तो केमिकली इसमें कौन कौन सी चीज है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लिपिड एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इसमें दो तरह से पाए जाते हैं, एक होंगे जो केवल आउटर सरफेस पर दिखाई देंगे और एक होंगे जो थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट होंगे, यानी आउटसाइड से इनसाइड तक, यानी ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे बाहर से अंदर तक, इनको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। और जो केवल बाहर ऐसे होंगे, केवल बाहर दिखाई देंगे अंदर नहीं पहुंचे रहेंगे, उनको हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो जब हम लोग डिटेल देखते हैं स्ट्रक्चर को तब पता चलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड के दो लेयर और प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों है ये, क्यों ये पार्टिकुलर चीज को ही अंदर जाने देता है, क्योंकि देखिए लिपिड का लेयर है ये। लिपिड क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को रिपेल करने वाले। ठीक है ना, जैसे वैक्स होता है, वैक्स जो कैंडल होता है आपका, उसका जो वैक्स है उसको अगर हम लोग पानी में डालें तो क्या वो डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं डिजॉल्व होगा। ठीक है ना, वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो वो हाइड्रोफोबिक हो गया। तो लिपिड उसी तरह के होते हैं। ठीक, इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक चैनल प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू सबस्टेंस आ सकता है या जा सकता है। ठीक है, कोई भी सबस्टेंस जो पोलर है, जैसे आयन्स है, जैसे सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है,
वो ये लिपिड वाले लेयर से क्रॉस करके नहीं आ जा सकता है। क्यों? क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता है, वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। जबकि जो आयंस होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो इसके थ्रू मूव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ सबस्टेंस को ही ये अलाउ करता है ये मेम्ब्रेन कि वो सेल के अंदर जा सकते हैं, बाकी जो सबस्टेंस हैं वो इसके अंदर सेल के अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि उनको ये बैरियर की तरह रोक देगा। ठीक है ना? तो इसमें मैंने तीन चीजें आपको बताया कि दिस मेम्ब्रेन इज थिन, डेलिकेट, इलास्टिक एंड फ्री मेम्ब्रेन। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड केमिकली इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाईलेयर, दो लेयर लिपिड के होते हैं इस लेयर में। ये जो आपका एक लेयर दिख रहा है इसमें लिपिड के दो लेयर हैं, जो कि जगह जगह पर प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है? सो केमिकली इट इज ए लिपिड बाईलेयर इंटरस्पर्स्ड बाई प्रोटीन्स। ठीक है? अच्छा, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है ना? मैंने शुरू में ही आपसे बताया कि हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान रहे हैं। ठीक है ना? किसी भी चीजों का हम ब्रीफ में डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग समराइज कर रहे हैं। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी सेल के लिए। ठीक है ना? ओके, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहला, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। अभी मैंने डिस्कस किया था कि सेल के अपने अपने डिफरेंट शेप होते हैं, तो वो शेप को मेंटेन करने का काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है? दूसरा, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स यानी सेल के अंदर के जो लिटिल ऑर्गन्स होते हैं, जो छोटे छोटे इसके पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का होता है। यानी अगर बाहर से कोई शॉक या इंजरी आया, कोई बाहर से फोर्स इस पर पड़ रहा है, तो उसका इफेक्ट जो है सेल ऑर्गेनेल्स पर ना पड़े, इसके लिए सेल मेम्ब्रेन एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है? अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट अलाउज ओनली यूजफुल सबस्टेंस सबस्टेंसेस टू इंटर इंटू द सेल। सेल के अंदर कुछ यूजफुल जो सबस्टेंस है सेल के लिए, वही चीज जा सकते हैं, क्योंकि ये बैरियर की तरह काम करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट प्रिवेंट्स हार्मफुल सबस्टेंस और सबस्टेंसेस फ्रॉम इंटरिंग इंटू द सेल। ठीक है? हार्मफुल सबस्टेंस को सेल के अंदर जाने से रोकता है। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिसिटी टू द सेल। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हुआ? कि हर सेल अपने आप में यूनिक है। ठीक है? अच्छा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं, जैसे हमें अगर पैर में चोट लग जाती है और हम उसके लिए कोई भी पार्टिकुलर मेडिसिन इंटेक करते हैं, कोई भी हमने दवा खाया, तो उस दवा को कैसे पता चल जाता है कि वो ठीक उसी जगह पर जाकर के अपना रोल प्ले करता है जहाँ पर चोट लगी हुई है। ठीक है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमें जो है पैर में चोट लगी, हमने दवा खाया, पर उस दवा को कैसे पता चल रहा है कि पार्टिकुलर जगह पर इन्फेक्शन है, वहाँ पर उसकी इंजरी को रिकवर करना है।
तो देखिए दवा कैसे पहुंच जाता है या दवा जो है अपना एक्शन वहां पर कैसे दिखा पाता है, क्योंकि दवा क्या होता है, एक केमिकल सबस्टेंस होता है। तो जहां इंजरी हुई है वहां के सेल्स के पास एक स्पेसिफिक टैग है। स्पेसिफिक टैग कहने का मतलब, जैसे आप किसी गेस्ट हाउस में जाएंगे तो वहां रूम नंबर अलॉट किया गया है, 201, 203, 204, ठीक है। तो आपको जो है नीचे जो उसका मैनेजर है उसने आपको एक की पकड़ा दिया और कहा कि आपका 204 नंबर रूम है, तो आप सीधे 204 देखते हुए जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे। ठीक वैसा ही मिलता जुलता प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है। हर सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक टैग है, ठीक है। और वो टैग कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड इनसे मिलके एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, और इसी ग्लाइकोलिपिड का टैग होता है हर सेल के ऊपर। जैसे ये पार्टिकुलर सेल है, ये भी कोई दूसरा सेल है, ये कोई तीसरा सेल है, तो हर सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक टैग है। टैग कहने का मतलब कोई रूम नंबर नहीं है, मतलब एक केमिकल कंपाउंड है, कोई केमिकल सबस्टेंस है जो एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है सेल को या एक जैसे सेल को, ठीक है। जैसे हमारे आंखों के सेल्स अलग हैं, हार्ट के सेल्स अलग हैं, लंग्स के सेल्स अलग हैं, इंटेस्टाइन के सेल अलग हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। कि वो मेडिसिन पार्टिकुलर टैग वाले सेल्स से ही इंटरेक्ट करेगा जिसकी वजह से वो मेडिसिन अपना रोल वहां पर शो कर सकता है, ठीक है ना। यानी उस मेडिसिन का जो भी इफेक्ट होना है हमारे लिए एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स के रूप में, वो दवा हमें उस रोग से दूर करेगा। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि मेडिसिन इज ए केमिकल सबस्टेंस एंड इट इंटरेक्ट्स विद द पार्टिकुलर केमिकल। कि यहाँ जो टैग है वो भी एक केमिकल सबस्टेंस है, तो दवा में ऐसा केमिकल होगा जो इस पार्टिकुलर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी रखता होगा, इसीलिए वो ढूंढता हुआ वहीं पर जाएगा, ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में फ्लो करेगा, लेकिन अपना इफेक्ट वहीं दिखाएगा जहां उस कंपाउंड का इंटरेक्शन उससे होगा, ठीक है। जैसे बुखार हुआ तो आपने जो है कोई भी दवा जो है पैरासीटामोल आपने लिया, ठीक है, तो वो पैरासीटामोल पूरे बॉडी में फ्लो करेगा ब्लड के साथ, लेकिन अपना इफेक्ट वहीं दिखाएगा जहां उसमें जो केमिकल है उससे रिलेटेड केमिकल कंपाउंड जहां पर सेल्स में अवेलेबल हैं उसी से वो इंटरेक्ट करके अपना इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से वो पार्टिकुलर जो हमारी इलनेस है वो दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स स्पेसिटी टू द सेल, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन तो एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में एक एडिशनल मेम्ब्रेन हम लोग देख सकते हैं, ये जो बाहर बनाया गया है ये एक एडिशनल मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। और मैंने आपको बताया भी था सेल वॉल इज द एडिशनल लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ प्लांट सेल। केवल प्लांट सेल में ये सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो सेल वॉल को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सेल वॉल किन चीजों से बना होता है और उस मेम्ब्रेन की नेचर कैसी होती है, क्या वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए सेल वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, इट इज ए रिजिड नॉन लिविंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, ठीक है, केवल प्लांट सेल में ये पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हुआ, यहां पर ये नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, कोई लिविंग सब्सटेंस नहीं है उसमें, ठीक है ना, वो प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड नहीं है, इट इज नॉट ए लिविंग मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ
सेल्यूलोज, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये सेल्यूलोज से बना होता है। जबकि सेल मेम्ब्रेन, अभी मैंने बताया आपको किन चीजों से बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन, दो लेयर लिपिड के होते हैं और एक लेयर प्रोटीन का होता है, ठीक है। डिफरेंस काउंट करा रहा हूं मैं आपको कि ये सेलुलोज से बना होता है जबकि वो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फ्रीली परमिएबल, ठीक है। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या हुआ, इट अलाउज ऑल टाइप ऑफ सबस्टेंस टू पास थ्रू इट। जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या था, सेलेक्टिवली परमिएबल था, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस है, इट इज फ्रीली परमिएबल बट सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और जानना है आपको, प्लांट सेल से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेल वॉल के बीच में, यानी दो एडजेसेंट जो प्लांट सेल हैं उनके सेल वॉल के बीच में एक जिलेटिनस सबस्टेंस पाया जाता है जो कि उन सेल को एक दूसरे से अटैच्ड रखता है, ठीक है ना। लिख सकते हैं हम लोग, इन बिटवीन द सेल वॉल ऑफ, सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल्स ए जिलेटिनस मिडिल लैमिला इज प्रेजेंट विच इज रिच इन पेक्टेट्स एंड होल्ड्स द सेल्स टुगेदर। पेक्टेट क्या है, एक केमिकल सबस्टेंस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल्स होते हैं आपस में इस तरह से अटैच्ड रहते हैं, और ये अटैच कौन करता है, मिडिल लैमिला। ये मिडिल लैमिला सेल वॉल के बीच में पाया जाता है, ये एक जिलेटिनस लेयर होता है जो कि एडजेसेंट प्लांट सेल को एक दूसरे से बांधे रखता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें खास करके हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, जबकि सेल वॉल क्या है, फ्रीली परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना होता है जबकि सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, तो सबसे पहला फंक्शन, इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन्स द शेप्स ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल्स का जो शेप है उसको प्रोवाइड करने वाला और उसको मेंटेन रखने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। अच्छा, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी। रिजिडिटी मतलब ये रिजिड लेयर है, ठीक है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, क्योंकि अगर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है सेल पर तो सेल के इंटरनल जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सेल वॉल उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और इलास्टिसिटी कि आप देखते होंगे जो पेड़ हैं उनके जो ब्रांचेस है वो आसानी से ऐसे नीचे ऊपर कर सकता है ना, उस पे पकड़ के बच्चे झूलने लगते हैं, तो क्या वो बहुत आसानी से टूट जाता है, नहीं, बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा तब भाई वो टूट जाएगा। लेकिन एनिमल्स के कंपैरिजन में आप देखिए प्लांट का जो बॉडी है वो काफ़ी स्टिफ होता है, वो आसानी से टूटने वाला नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर एनिमल के बॉडी पर उतना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगा। जैसे मैंने देखा
बहुत सारे बच्चे जो है क्रिकेट का मैच खेलते हैं, वहीं कोई पेड़ होता है तो अपने बैट से जो है पेड़ पर मारते रहते हैं ऐसे ऐसे। अब अगर वहीं सोचिए कि कोई लड़का खड़ा हो और उसको ऐसे कोई मारता रहे बैट से, तो शायद बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी। लेकिन प्लांट को बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उसके सेल्स के ऊपर सेल वॉल है जो कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसको हम लोग एक पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, मतलब प्लांट्स आर एबल टू रेजिस्ट शॉक्स एंड, शॉक्स ना लिखे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस बिकॉज ऑफ सेलुलोज और सेल वॉल। इट मीन्स प्लांट्स आर एबल टू रेजिस्ट ए हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है ना? ओके।